ग्रैंडफादर को ओल्ड मैन कहता है कि आपने अच्छा हुआ इसे सही समय पे आप ले आए, मैं इसका क्यूर कर देता हूं। और वो कुछ मंत्रा पढ़ने लगता है। राजा का फिंगर जो उसने धोया था, धीरे धीरे उसमें दर्द कम होने लगता है समय के साथ में। जबकि राजा ये कहना चाहता था अपने दादाजी से कि मुझे तो बी ने काटा है, पर मेरा जो इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वो हो रहा है स्नेक बाइट का। और जो ओल्ड मैन था वो बोलता है कि नहीं, आप इसे सही टाइम पर लेकर आए, और इसका जो जहर था इसे मैंने उतार दिया। सभी लोग वहां पर जो पहुंच जाए, ग्रैंड मदर और जो बाकी के वहां नेबर्स थे, सब वहां पर पहुंच जाते हैं। राजा का दर्द भी अब पहले से थोड़ा कम हो चुका था। कुछ ओल्ड मैन उठ जाता है, वो फिंगर को वॉश कर देता है, वो पानी को पीने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ग्रैंडफादर उसे थैंक यू कहते हैं। वो घर राजा को घर लेके जाते हैं। और वहां जाकर ग्रैंडफादर, क्योंकि उसने ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर ने थैंक यू कहकर उसके जो जादू से जिसने उसने कम कर दिया, उस मैजिक की वजह से घर जाकर कुछ गिफ्ट उस ओल्ड मैन को भेजते हैं। यहाँ पर ही जो सुपरस्टिशन है वो ये है कि ब्लू मार्क देखकर ही उन लोगों को लगा कि इसमें जहर है, इसलिए वो उसे लेकर चले गए एक ऐसे व्यक्ति के पास, जबकि उसे ले जाना चाहिए डॉक्टर के पास में। हो सकता था कि अगर उसे सच में सांप ने काटा होता तो शायद आज राजा नहीं होता। तो ये सुपरस्टिशन था। दूसरी बात, बिना जाने बिना सवालात किए उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया कि नहीं, ये सुबह स्नेक से खेल रहा था, शायद से स्नेक को पकड़ने की कोशिश को सेकने से डस दिया। इसमें किस तरह के सवाल जवाब आते हैं? पहला, राजा कहाँ खेल रहा था? कंपाउंड में। राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा कि सांप को जो क्रॉलिंग कर रहा था, और वो कोकोनट सेल में जाकर छुप जाता है। राजा उसका मुंह एक स्टोन से बंद कर देता है, उसे ले जाकर वो ग्रैंड मदर के पास ले जाता है। ग्रैंड मदर चिल्लाती है, अलार्म करती है, ग्रैंडफादर बाहर आते हैं, वो उसे लेकर छीन कर फेंक देते हैं दूर। फेंक कर उसे समझाते हैं कि स्नेक्स बहुत डेंजरस होते हैं, कभी भी स्नेक के सामने मत जाना। फिर शाम को लेटर इवनिंग, शाम का टाइम में राजा फिर से खेल रहा होता है। वो एक बी कैच करने की कोशिश करता है, बी ने उसे डंक कर देता है, स्टंक कर देता है। स्टंक की वजह से क्या होता है, उसे बहुत शार्प पेन होने लगता है, और वो रोते हुए ग्रैंड मदर के पास पहुंचता है। ग्रैंड मदर घबराहट में समझती है कि उसे फिर से सांप ने कहीं ना काट दिया हो, इसलिए वो फिर चिल्लाते हैं। ग्रैंडफादर बिना सोचे समझे उसे अपने गोदी में उठाते हैं, और पैडी फील्ड के बीच से दौड़ते हुए ओल्ड मैन के घर पहुंचते हैं। चिल्लाते हैं, ओल्ड मैन बाहर आता है। वो बोलता है कि राजा को आप पकड़ के बैठे रहिए। उसके हाथ को एक ब्रास वजल में पानी लेकर आता है, उसके फिंगर को वॉश करता है, कुछ मंत्रास पढ़ता है। जैसे उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, वो बाकी पानी उसे पी लेने के लिए कहता है। ये पूरे प्रोसेस में राजा उन सबको देखते रहता है और चुप रहता है, क्योंकि वो बताना ये चाह रहा था कि भाई मुझे तो बी नहीं काटा है, लेकिन आप तो सांप का इलाज कर रहे हैं। लेकिन वहां पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। थोड़ी देर के बाद ग्रैंड मदर, बाकी के नेबर्स भी वहां आ जाते हैं। सभी सैड एंड साइलेंट रहते हैं, क्योंकि राजा को सांप ने काट दिया होता है। उसके बाद सभी लोग घर वापसी करते हैं। ओल्ड मैन उनको बताता है कि भाई सांप बहुत डेंजर था, मैंने इसका विष उतार दिया, अब जान को खतरा नहीं है। घर आने के बाद में दोनों उसके थैंकफुल के रूप में उसके गिफ्ट भेजते हैं। तो ओल्ड मैन कौन था? ओल्ड मैन जो ये जानता था कि सांप का जहर को निकालने का क्यूर क्या है। गिफ्ट इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसने राजा को ठीक कर दिया था। राजा क्या बताना चाह रहा था? राजा ये बताना चाह रहा था कि उसे बी ने काटा, ना कि सांप ने। तीसरा, वो कहां से भाग कर जाते? तो पैडीफील्ड के बीच से ओल्ड मैन के घर पहुंचते हैं। ओल्ड मैन का नाम इसमें ग्रे हेयर ओल्ड मैन करके मेंशन किया गया है, वही आपको लिखना है। ग्रैंड मदर फर्स्ट टाइम जब चिल्लाती है, पहली बार जब अलार्म करती है, तो वो तब करती है जब राजा स्नेक लेके आती है। दूसरी बार तब जब राजा उसको शार्पिन कम करने के लिए पहुंचता है। घर में दो लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और राजा। स्नैच करके जब फेंक देते हैं, स्नेक्स बुशेस के पीछे चला जाता है। यह है स्टोरी। राजा इस ये अधिकतर पूछा जाने वाला सवाल है कि राजा के चैप्टर्स में सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्टोरी तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ देखने के लिए स्टोरी में कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि पहला इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट क्या है। तो पहली बार में स्नेक, दूसरे बार में बी, तीसरे बार में उसका ट्रीटमेंट, फोर्थ में उसको एक एडवाइस, फिफ्थ में उसे गिफ्ट भेजते हैं।
बस इससे इस 5 6 साल क्वेश्चन से आता नहीं, लेकिन राजा एक टॉपिक वाइज राजा एक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के उद्देश्य से। चलिए, थैंक यू।